मेरा नाम अनंत है। मेरा प्रश्न शादी और तलाक के बारे में है। मैं शादीशुदा हूँ। नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत से यंगस्टर्स शादी ही नहीं करना चाहते, और कुछ लोग जो शादी करते हैं तो वो लोग कभी कभी तलाक ले लेते हैं। तो क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं सद्गुरु? देखिए, आपको शादी की व्यवस्था को समझने की जरूरत है। It's about bringing a certain sanctity to the simple basic needs that every human being has. ये उन बुनियादी जरूरतों में एक तरह की पवित्रता लाने का एक तरीका है जो हर इंसान में होती है। शरीर की जरूरतें होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं, तो और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने शादी नाम की एक व्यवस्था बनाई है जिसमें ये सब कुछ एक समझदारी भरे तरीके से संभाला जा सकता है। वरना अगर हम दूसरे जानवरों की तरह सड़कों पर ये सब करते तो हमारे लिए भद्दा बन जाता और हमें ऐसा करके बुरा महसूस होता। तो एक व्यवस्था लाने के लिए, थोड़ी सुंदरता लाने के लिए और थोड़ी स्थिरता, क्योंकि आदमी और औरत के साथ आने से कुदरती तौर पर नए जीवन का जन्म हुआ। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले इंसानी बच्चा सबसे कमजोर होता है, जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। आप एक कुत्ते के पिल्ले को सड़क पर छोड़ सकते हैं, अगर उसे खाना मिलता रहा तो वो बड़ा होकर एक अच्छा कुत्ता बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ शारीरिक मदद की ही नहीं, अलग अलग तरह की मदद की जरूरत होती है, और सबसे बढ़कर एक संतुलित और स्थिर माहौल की। समाज में शादी होनी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर बहस तब होती है जब लोग 18 साल के होते हैं, क्योंकि आपका शरीर आजादी की मांग करता है। ठीक है, उस समय हर कोई ये सवाल करता है, क्या शादी जरूरी है? हम जैसे चाहें वैसे क्यों नहीं रह सकते? पर जब आप 3 साल के थे तब आप शादी को बहुत कीमती मानते थे, एक टिकाऊ शादी को बहुत कीमती मानते थे, है ना? हाँ या ना? 45-50 साल का होने पर आप फिर शादी के हक में होते हैं। 18 से 45 के बीच ही आप इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जब शरीर हावी हो, उस समय अगर आप उससे हार मान लें तो वो हर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा। ये हार्मोन के दम पर मिली आजादी है। ठीक है, आपकी बुद्धि पर हार्मोन हावी हो गए हैं, इसलिए आप हर चीज की बुनियाद पर सवाल खड़े करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी ही सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन क्या आपके पास और कोई बेहतर तरीका है? अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका हो तो शादी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोई बेहतर तरीका खोज नहीं पाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक संतुलित स्थिति जरूरी है। बच्चा पैदा हुआ मतलब आपके पास 20 साल का प्रोजेक्ट है। आपकी इच्छाएं और पसंद बदल जाएगी, आपके इमोशंस में बदलाव आएगा। अगर ये सब ऐसा ही है तो ऐसी सिचुएशंस में मत फंसिए। हर किसी के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। आप कह रहे थे कि लोग सोच रहे हैं कि शादी करें या ना करें, मुझे खुशी है। ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं और खासकर अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको समझना होगा कि ये कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। वरना आपको ऐसे प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना चाहिए। आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़कर उसे आधे में छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? ये आपकी मर्जी है, पर कम से कम सोच समझकर फैसला करें। इसलिए शादी मत करें कि हर कोई शादी कर रहा है। आपको शादी और तलाक के बारे में एक सांस में बात करने की जरूरत नहीं, जैसे कि वो एक साथ आते हों। ये पूरी तरह से अमेरिकन आइडिया है। आप शादी और तलाक के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। कुछ समय पहले तक इस देश में तलाक के बारे में कोई नहीं सोचता था, है ना? तो अगर ऐसा होता है, अगर कुछ होता है, दो लोगों के बीच कुछ सच में गलत हो जाता है और अलग होना जरूरी हो जाता है, तो ऐसा हर हाल में होगा। आपको शादी करते समय इसकी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको शादी और तलाक के बारे में एक ही सांस में बात करने की क्या जरूरत है? ये एक अपराध है।